नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि यूपी चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे जा रहे हैं। दारा सिंह अब एसपी में आज शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बागी नेता अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे दारा सिंह। दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस दौरान दारा सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। यूपी चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज बीजेपी के बागी नेता दारा सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इसी दौरान दारा सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आज बीजेपी के बागी नेता दारा सिंह शामिल होने जा रहे समाजवादी पार्टी में, कितने बजे शामिल होंगे, क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल, दारा सिंह चौहान इससे पहले 2 बार अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके थे। उसी समय इन्होंने 16 जनवरी का समय लिया था शामिल होने का, और आज अखिलेश यादव 12:30 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता करेंगे। उसी दौरान दारा सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद इस्तीफा दिया था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दलितों, बैकवर्डों और नौजवानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार पर काम करने का आरोप लगाया था। आज ये तीसरे मंत्री होंगे जो भारतीय जनता पार्टी छोड़े हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 14 जनवरी को एक मंत्री धर्म सिंह सैनी और 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी जो छोड़े थे सपा में शामिल हो चुके हैं। तो बीजेपी छोड़ने वाले ये आखिरी मंत्री होंगे जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और सदस्यता ग्रहण करेंगे। इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट देने का भी वादा किया है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि आखिरी सदस्य होने वाले हैं, और साथ ही अगर दारा सिंह की बात करें तो इनका भी एक मुख्य कारण यही रहा है कि बीजेपी ने वंचितों और शोषितों को लाभ नहीं पहुंचाया है, तो क्या 4-5 साल बाद करीबन ये याद आया दारा सिंह को? देखिए, दारा सिंह चौहान ने भी जो आरोप लगाया है वही आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ने लगाया था। तीनों लोगों के लेटर एक तरीके से एक ही शब्दावली में थे जो बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी और बैकवर्डों, दलितों के लिए काम नहीं करने का आरोप लगाए हैं। अब ये समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, सपा से ही चुनाव लड़ेंगे, तो एक बड़ी चुनौती ये होगी कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ये नेता लगा रहे हैं क्या जनता उसे स्वीकार कर रही है? जी नरेंद्र, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।